दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ITI Tech Diploma में। जैसा कि पिछले दिनों हमने WCS के कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस में आगे की श्रृंखला में हम 12 क्वेश्चन और लेकर आए हैं। इन सभी क्वेश्चंस पर हम सरसरी निगाह से ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें और ये CITS और साथ ही साथ ITI के सभी जो परीक्षाएँ होती हैं, जो भी एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये WCS जो कोर्स होता है ये आपके साथ कॉम्प्लीमेंट में जुड़ा होता है। तीन क्वेश्चंस पर हम ध्यान देंगे। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चंस आपको दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे, इन सभी क्वेश्चंस को हमारे सॉल्व करने के पहले आप कैलकुलेट करें और इनका उत्तर देने का प्रयास करें। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नाइन में दोस्तों 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम इसका जो हल है, जिसको हम डेनोमिनेटर कहते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 4/5/20 का बेसिकली एलसीएम अगर हम आपको बता दें तो 4/5/20 कुछ इस तरह से इसका हम एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 10। 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 5 10, 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। तो फाइनली हम यहाँ देखते हैं कि इसका मल्टीपल आ जाता है 2 × 2 × 5। हम पाते हैं कि ये 2 2 4 4 5 20, यानी 20 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम 20 लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं 4 से 20 को। 5 आता है, 5 3 15 प्लस 5 4 20, 4 2 8 माइनस 20, 20 से 20 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से 5 में करेंगे 5 आ जाएगा। फिर बेसिकली हम देखते हैं कि 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। 23 में 5 घटा देते हैं दोस्तों, कितना आता है, 18 आता है। तो ये 18/20 हो जाएगा, ये 2 9 18 और 2 10 20, ये 9/10 आता है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसमें अगर हम आपको बता दें तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। दोस्तों 9/10, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमसे पहले सॉल्व करके आप उत्तर देने की कोशिश करें। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, डिवाइड करना है। तो डिवाइडेशन मेथड में ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20 − 31 / 15/62, कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बर्डमैस रूल को हम ध्यान देंगे। बर्डमैस रूल क्या होता है, जैसा कि बी फॉर ब्रैकेट होता है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये रूल हमें मालूम होना चाहिए। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ओ फॉर ऑफ होता है और ब्रैकेट में ब्रैकेट का क्रम है, ब्रैकेट का क्रम है। पहले हम रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व करते हैं। दोस्तों ओ फॉर ऑफ आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, डी फॉर डिवाइड करते हैं दोस्तों तो डिवाइड हम करते हैं, एम फॉर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन होता है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ए फॉर एडेड होता है या एडिशन होता है दोस्तों तो हम जोड़ने का कार्य करते हैं, और ये सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्शन हम कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है दोस्तों हम सभी को मालूम है और इसका ही हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड की जो चीज़ें हैं उनको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों। 20 − 31, जो भाग होता है भाग को गुणे में बदलने के क्रम को हम ध्यान देंगे। गुणे में बदलेंगे तो ये जो 15/62 है ये 62/15 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये 62/15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका दोस्तों इस तरह से देख ले हम, 31 62 का आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 31 62 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, और कुछ इस तरह से 15 से 20 में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो 15 × 30 = 300 माइनस 31 और 62 का दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 31 दूना कितना होता है,
चलिए दोस्त देखते हैं, 3 × 6 = 18, कुछ इस तरह से हमने देखा 19/22 आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 20 − 31 / 15/62 इस तरह से हम देख पाते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से चल रहा है। और ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो वैल्यू माइनस में आएगी, जो कि हमारे इस विकल्प में कहीं भी क्वेश्चन में मैच नहीं कर रही है। तो हम विकल्प पर नहीं जाएंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि क्या फाइनल इसका आंसर आता है। तो 1922 में 300 सब्ट्रैक्ट करें दोस्तों, तो हम पाते हैं 2 × 2 = 6 × 3 = 9, 16/22 / 15। तो दोस्तों इसको हम माइनस में रखेंगे। अब यहाँ पे 15 से 1622 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसे मिश्र बिन में बदल देंगे। 16/22, ये 15 × 15, या 1, ये हो गया 12 दोस्तों, भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा के अगला 2 उतार लिया दोस्तों। 15 × 8 दोस्तों 120 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 108 सही 2/15, यानी हो जाएगा -108 सही 2/15। दोस्तों ऐसा कोई भी विकल्प इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर हम सरसरी निगाह से देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करिए दोस्तों, और हमारे सॉल्व करने के पहले आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, इसमें दिया है कि 0.003 × 0.5 मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट मेथड हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए फॉरगेटिंग कर देते हैं, भूल जाते हैं कि दशमलव कहाँ है, क्या स्थिति है इसकी। डिजिट का आपस में डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 × 3 कितना होगा, 15 होगा। और अब हम इस दशमलव और इस दशमलव के बीच आए हुए जो भी अंक हैं या शून्य अशून्य अंक हैं उनकी संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 4 डिजिट बनाना है इसको। दोस्तों ये 15 है, तो 15 के साथ 2 शून्य लगा दें, पॉइंट लगा दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा विकल्प 0.0015 कहाँ मैच कर रहा है, बी आंसर आपका सही होगा दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजीली क्वेश्चन होता है, लेकिन जब इसमें डेसिमल नंबर्स डाल दिए जाते हैं तो इसको बच्चे नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में आपको विचलित नहीं होना है और कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन 12 है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे कि इसमें सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई, जैसा कि आप जानते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब सरल करना है, और सरलीकरण में वर्ड मैस रूल फॉलो होता है दोस्तों। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 17.49 × 5.2, और इसको हमें डिवाइड करना है 6.5 से। तो दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो बेटा 52 और 65 ये 13 से कट सकते हैं, तो इनको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों 17.49 × 5.2 / 6.5, दशमलव दोनों के क्या है, एक एक अंक के बाद है, तो ये दशमलव आपस में क्लैश हो जाते हैं, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। 13 × 5 = 65 और 13 × 4 = 52, 5 से कुछ भी इसमें कटने वाला नहीं है दोस्तों। तो हम इसको आगे कॉन्सेप्ट में लेते हैं, 5 से 4 में डिवाइड करते हैं। 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो 8 × 9 = 72 की 2 हासिल 7, 8 × 32 = 32 और 7 =
39, 3, 8 का 8, 3 11, ये हो जाएगा दोस्तों, 3 अंक के बाद दशमलव आएगा दोस्तों, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 1.192। ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन जो है टच नहीं कर रहा है दोस्तों, 17.49, 5.26.5। तो दोस्तों पॉइंट से पॉइंट कट गया, 13×5 65, 13×4 52, 5 से भाग दिया तो ये 0.8 हो गया, और 8 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 1.192। ऐसा कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, तो इस विकल्प पर नहीं जाएंगे दोस्तों, इसका सही आंसर 1.192 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ठीक इस तरह से देखेंगे, ये भी डिवाइडेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख पा रहे हैं कि 900 बराबर भाग किए गए किसके, 225 मीटर के, तो 225/900। अगर हम इसे सॉल्व करें दोस्तों तो प्रत्येक भाग की लंबाई आ जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 225/9 × 1/100 कुछ इस तरह से इसको हम अलग कर लेते हैं, 9 से भाग देते हैं दोस्तों, तो 9 से अगर हम भाग देते हैं तो 9 × 2 = 18, 4 × 2 = 22, 9 × 5 = 45, तो ये हो जाएगा 25/100। और इस क्वेश्चन को हम देखें दोस्तों तो 0.25, ये कुछ आंसर ऐसा आ जाएगा, इतना मीटर। तो ये दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि आंसर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके इसका उत्तर देखें कौन सा उत्तर इसका सही होगा। 529 का वर्गमूल, तो वर्गमूल के लिए दोस्तों हम पहले वर्ग याद करने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिसमें दो संख्याओं के वर्ग कैसे किए जाएं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देखिए दोस्तों। जैसे ये ए बी का होल स्क्वायर हमें करना है दोस्तों, इसमें बी इकाई अंक है दोस्तों, ये यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, और ये दहाई अंक है। कोई भी दो अंकों की संख्या दोस्तों उसका वर्ग कैसे करें, बिल्कुल इजी मेथड में समझिए दोस्तों। जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² कुछ इस फॉर्म में होता है। तो दोस्तों ये जो प्लस लगा हुआ है इसको हम हटा देते हैं, तो इस तरह से दो सेट बन जाते हैं। दोनों सेटों में जो भी इसका वर्ग करके वैल्यू आती है उसको लिखते हैं, और जो कैरी आती है उसको आगे ऐड करते जाते हैं, और लास्ट में हमें फाइनल आंसर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों 529 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो हम पहले ये देखेंगे जैसे 21 का वर्ग क्या होता है, 22 का वर्ग क्या होता है, 23 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग क्या होता है। तो इस शॉर्ट मेथड से हम इसका स्क्वायर लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसमें ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, इस प्रकार से 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 ही रहेगा, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2, उसका दूना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 441। 22 का वर्ग करेंगे दोस्तों, 2 का वर्ग 4, 2 × 4 = 8, 2 का वर्ग 4। 23 का वर्ग करेंगे दोस्तों, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6 × 12, 1 × 2 = 4 = 5, 529। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें ठीक इसी प्रकार पूछा गया है, 529 का वर्गमूल बताएं, यानी √529 की वैल्यू पूछी जा रही है, जो कि क्या होगी दोस्तों, 23 होगा, प्लस माइनस 23 होगा। तो इसमें दोस्तों विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि विकल्प हमारा होगा बी, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों।
इस प्रकार हम किसी भी संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या है उसका वर्ग इस मेथड को फॉलो करके दोस्तों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर है उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पंद्रह नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01। अब स्क्वायर पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें, स्क्वायर का मतलब वर्ग, 0.01 का वर्ग पूछा जा रहा है दोस्तों, वर्ग क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं वर्ग में हम इसी संख्या को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये होगा 0.01 × 0.01। तो हम जब डेसिमल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक को एक और एक का मल्टीप्लाई दोस्तों एक होगा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो भी डिजिट्स हैं, चाहे वो शून्य हो या अशून्य अंक हो, उनको देखेंगे। दो और दो चार, यानी चार अंक बनाने हैं, तो एक तो हो गया, तीन शून्य लगा देते हैं दोस्तों और पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह से 0.0001 ऑप्शन आपका सही होता है दोस्तों। और इसमें हम देख पाते हैं कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी। इस प्रकार दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को हमसे पहले सॉल्व करें और उत्तर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, हम देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, यानी 80 का 20 प्रतिशत क्या है। हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन हमें थोड़ा सा विचलित करता है, तो ऐसे में इंग्लिश वर्जन पर चले जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, हमने देखा कि 80 का, हमने सपोज किया कि 80 का x परसेंट कितना है दोस्तों, 20 है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चंस थोड़ा विचलित करने वाले होते हैं और इंग्लिश वर्जन को जब रिलेट करते हैं तो क्वेश्चन सही रूल को फॉलो करता है। तो अभी हम देखते हैं 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा। क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 मीन्स 80 का हमने सपोज किया x परसेंट 20 होगा, तो 80 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल 20, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल होगा 20 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना, 80। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो से काट देंगे इसको, चार आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी 25%। इस तरह से दोस्तों हम यह देख पा रहे हैं कि 25% यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। बिल्कुल बिना विलंब किए हुए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg। 8% ऑफ 40 kg, तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 17, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg, यानी 8% ऑफ 40 kg, 40 किलो का 8% कितना होगा। तो इसको दोस्तों 8 × 8% 40 का है, यानी 8 × 40/100 या 8/100 × 40 ऐसा कर देंगे दोस्तों। तो हम यहाँ देख पाएंगे ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 8 × 32 आ जाएगा, 32/10 करेंगे दोस्तों, 3.2 आ जाएगा, और ये 3.2 kg, क्योंकि ये 40 किलोग्राम का हमने कितना परसेंट निकाला, 8% निकाला। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। कन्वर्ट 52% × फ्रैक्शन, यानी 52% को भिन्न में बदलिए। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, ये हम देखते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रतिशत को भिन्न में बदलने हेतु आता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमें देखना है दोस्तों। 52% को भिन्न में बदलिए,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। प्रतिशत का मतलब हो गया गुणे एक बटे सौ, यानी 52 गुणे एक बटे सौ। ऑप्शन के मुताबिक दोस्तों हम देख रहे हैं कि अंश बटे हर में मान आ रहा है, तो हम इसे डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसको काटेंगे दोस्तों चार से, ये हो जाएगा 25। चार एकम चार, चार तिया बारह, 13/25। ऐसा कोई ऑप्शन दोस्तों यदि दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। इस प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और विकल्प देखिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हमें आना चाहिए। तो हम देखते हैं 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों हम एक्चुअली करते क्या हैं कि अगर वो मान प्रतिशत में दिया है, भिन्न में बदलना है, गुणे एक बटे सौ करते हैं, और अगर भिन्न में दिया हुआ है और प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 करते हैं। यहाँ पर हम को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, तो यहाँ पर हम 0.456 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4560। पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा? 3 अंकों के बाद, तो ये यहाँ आ जाएगा दोस्तों, तो ये विकल्प होगा 35.6 प्रतिशत, जो कि ए ऑप्शन आपका दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस प्रकार दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर हम चलते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर दिस वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल 102 नहीं 10 का स्क्वायर, दे आर सेइंग लाइक दिस। ये वन वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। वन वेरिएबल का मतलब है इसमें एक वेरिएबल आ रहा है और ये एक वेरिएबल एक्स है, इसे सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 10² - 6² तो बेसिकली हम देख पाते हैं ये 10² 100 है, ये 36 है, घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आया 9 - 9 से 3 गया 36 64, ये आ गया आपका 6 64। एक्स स्क्वायर इक्वल 64, एक्स इक्वल +-8। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं इसका विकल्प हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, जो कि 8 है। इस तरह से दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए और हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हम लोगों का हौसला अफजाई करें। और अगले वीडियो में हम फिर नए क्वेश्चंस के साथ, नई श्रृंखला के साथ और नई ऊर्जा के साथ अपने इस चैनल ITI टेक डिप्लोमा में आप सभी का स्वागत करते हैं। और अगले दिन फिर हम इसी उम्मीद से और इसी लगन से आपके सामने आएंगे। थैंक यू।